ये एक मेमोरी के लिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ भैया से जी, कि जी, जब भी देखूंगा कि हाँ मैं भैया से मिला था। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अरे ना 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 ना। गाइस आपको पता होगा, आज से कुछ दिन पहले हमारे दिलराज भाई उत्तराखंड गए हुए थे और उन्होंने हल्द्वानी के एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं से हमारे दिलराज भाई सौरभ जोशी से मिलने गए हुए थे और वहां पर काफी सारा एंजॉय मस्ती किए हुए थे। लेकिन जब दिलराज भाई होटल में ठहरे हुए थे तभी उनसे एक सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर एक बात कॉमन थी, उनसे जो सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए हुए थे उनको पता नहीं था कि मिस्टर इंडियन हैकर भाई अंदर है या नहीं। लेकिन जब वह होटल पार्किंग लॉज में आए तो मिस्टर इंडियन हैकर भाई का फॉर्चूनर को देखते ही उन्हें कंफर्म हो गया कि दिलराज भैया होटल के अंदर है। खुशी से तो वो लोग झूम उठे, लेकिन जब दिलराज भैया उनसे फेस टू फेस मिले तो पहले दिलराज भैया ने अंकल जी को प्रणाम। इससे ये पता चलता है कि हमारे दिलराज भैया लाखों में एक है। तो इस वीडियो को देखिए। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया, हमारे उधर तो मैदानी मैदान है। अच्छा, मैदानी अपने इधर पहाड़िया है, राजस्थान में तो मैदान है सारे। और बच्चे आपकी जो वीडियो है शुरू से देखते हैं, इन्होंने मुझे भी एक हफ्ते पहले आपके वीडियो का चस्का चस्का लगा दिया। पापा दिन भर भी देखते रहते, दिन भर। आपकी टीम में आ जाऊंगा फिर। बाकी ये है कि हमारी फील्ड के अंदर ये है कि जो हमारी फील्ड में आया था फिर उसको बाकी सारी चीज छोड़नी पड़ी। और हाँ, इसे देखकर तो आप भी बोलोगे कि हमारे दिलराज भाई दिलों में राज करते हैं, क्योंकि जब अंकल जी फोटो शूट करने के लिए आए तो नीचे बैठने लगे, तभी दिलराज भाई का रिएक्शन देखो आप। सच में दिलराज भाई दिलों पे राज करते हैं यार। अरे ना 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 आप हमारे पिता समाने में बैठे हो, आप और इसका फुल वीडियो आपको दिव्यांश पांडे ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो जाइए सर्च कीजिए और देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।